ये जो सेटअप बॉक्स देख रहे हैं आप, ये डीडी फ्री डिश का है जो फ्री में चलता है कुछ चैनल। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है, इसमें जो है सिग्नल नहीं आ रहा है। चलिए बताता हूँ आपको क्या हुआ है, किसके लिए ये प्रॉब्लम आता है और क्या करना है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम आता है ये पावर सप्लाई के कारण आता है, तो इसे हम लोग पूरा सेट चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो नो सिग्नल का प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर इसके लिए नहीं आता, इसके लिए ही आता है। तो हम लोग ये जो पूरा पीसीबी चेंज ना करके एक कंपोनेंट से खाली इसको रिपेयर करेंगे और ठीक हो जाएगा। तो चलिए आपको बताता हूँ पावर सप्लाई के किस कंपोनेंट ख़राब होने के कारण ये नो सिग्नल का प्रॉब्लम आता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है, ये है 3.3 वोल्ट ग्राउंड, ये है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट ग्राउंड, ये 12 वोल्ट लास्ट में। तो ये जो प्रॉब्लम आता है ये 3.3 के कारण आता है। इसके लिए नो सिग्नल का प्रॉब्लम, वीक सिग्नल का प्रॉब्लम आता है। देखिए यहाँ पे ये जो डायोड्स है ये ख़राब होने के कारण, ये 3.3 से कनेक्ट है, ये ख़राब होने के कारण ये नो सिग्नल का दिक्कत आता है। तो ये चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसको नया नहीं लगाना है, नया लगाने से ख़राब हो जाता है जल्दी। तो इसको क्या करना है, किसी भी पुराना पीसीबी से, किसी भी सर्किट से आपको एक डायोड निकाल के यहाँ पे लगा देना है। अगर नया लगाएंगे भी तो आप एक दो दिन में ख़राब हो जाएगा, तो पुराना ही लगाना है, पुराना लगाने से ठीक रहता है। तो मैं चेंज करके देखता हूँ, इसे चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए मैंने जो पुराना वाला लगा हुआ था उसे निकाल दिया है, ये रहा। तो मैं दूसरा पीसीबी से, एक पुराना पीसीबी से एक डायोड खोला हूँ, इसको लगा के डायरेक्ट चेक करूँगा। देखिए मैंने दूसरा वाला चेंज कर दिया हूँ, फिर लाइन भी करंट भी दे दिया हूँ, ऑन हो गया है। तो चेक करके देखते हैं, जो नो सिग्नल का प्रॉब्लम था अब सॉल्व हो गया है कंपोनेंट चेंज करने से।